बुलेटिन की शुरुआत में यूपी के शाहजहांपुर से जहां नकली नोटों का खोरक धंधा जारी है। आपको बता दें कि यहां स्टेट बैंक के एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं में खासी निराशा देखी जा रही है। देश में धड़ल्ले से हो रहे नोटों के नकली कारोबारों पर नकेल कसने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया। मोदी के इस फैसले को नाकाम करने के लिए नकली नोटों का कारोबार करने वाले अभी भी सक्रिय हैं, जिसका उदाहरण देखने को शाहजहांपुर के स्टेट बैंक के एटीएम में मिला। ये एटीएम 2000 के नकली नोट उगल रहा है। मामला दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर यूपी के शाहजहांपुर जिले का है, जहां पर जलालाबाद कस्बे में लगा स्टेट बैंक का एटीएम 2000 के नकली नोट देकर मोदी के नोटबंदी के फैसले को गलत साबित कर रहा है। जलालाबाद के रहने वाले ऋतिक गुप्ता स्टेट बैंक में लगे एटीएम से रुपए निकालने गए। ऋतिक ने एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, जिसमें एक 2,000 का नोट नकली निकला। एटीएम से 10,000 रुपए निकालने किए, 10,000 रुपए निकलवाए उससे, तो यहाँ पे चार लोग लाइन में लगे थे, उसने उसका अंदरी से फोन आया हमारे पास कि पापा एक नोट नकली निकला इसका 2,000 का, क्योंकि हमने किससे पूछा, कई पड़ोस में भैया हैं वो बता रहे सब नकली है, तो हमने वहीं खड़े रहो, हम अपनी चाचा को भेज रहे हैं, तो हमने नितिन गुप्ता को भेजा, इतने में सब लोग पत्रकार वगैरह सब आ गए यहाँ पे, लेकिन अंदर मैनेजर साहब से पूछ रहे हैं, फोन नंबर वगैरह ले रहे हैं, कोई दे भी नहीं रहा यहाँ पे। आपको बता दें कि 2000 के नोट को स्कैन करके साधारण से कागज पर प्रिंट किया गया था। एटीएम से नकली नोट निकलने पर ऋतिक ने इसकी शिकायत जब बैंक के अधिकारी से की तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे लाइन में लगे लोगों ने हंगामा कर दिया और पीड़ित ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को नकली नोट निकलने की सूचना दी। पुष्टि वो करेंगे ना कि मैं तो कैश अफसर हूँ भैया, मैं तो कैश अफसर इंटर शाम को जो पैसा आया मैंने रिसीव कर लिया और अंदर कर दिया बाल्ट में, जो कैसे रुपया लिया उससे मतलब बात तो करिए अपन ने कौन से बेदराम से। अब पुलिस एटीएम से निकल रहे नकली नोटों का पर्दाफाश कब तक करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शाहजहांपुर से पुष्पेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।